अस्सलाम वालेकुम गाइस, फ्राड ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शुजात अब जल्द अज जल्द तूबा के जरिए उसके घर तक पहुंचना चाहता है और इसके लिए वो अपने ही दोस्त की मदद लेता है जो कुछ गुंडे और गन लेकर शुजात के घर आते हैं और शुजात को मारने की धमकी देते हैं। तूबा शुजात को लेकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी है। वो फौरी इसे अपने भाई के घर ले जाती है और शान को सारी बात बताती है, जिसके बाद शान शुजात को इस घर में रहने का मशवरा देता है कि अब तुम्हें वहाँ मरने के लिए तो नहीं भेज सकते, तुम्हारे घर में तुम्हारी जान को खतरा है। तूबा भी कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, तुम बस इधर हमारे साथ ही रहोगे। शुजात इस घर में हमेशा के लिए दाखिल होकर बहुत खुश है। दूसरी तरफ तूबा की माँ, जो पहले दिन से ही शुजात पर नज़र रखे हुए थी, वो शुजात से कहती हैं कि मैं जानती हूँ तुम किस मकसद से इस घर में दाखिल हुए हो, मेरा भी शान की जायदाद में इतना ही इंटरेस्ट है जितना कि तुम्हारा, पहले अपना हिस्सा निकलवाओ और फिर हमारे बारे में सोचना। जवाब में शुजात कहता है कि जैसा आप कहेंगी मामा वैसा ही होगा, आप मेरी माँ जैसी हैं, बस दुआ करिएगा। दूसरी तरफ माया के वालिद अपनी दोनों बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शान के आए रिश्ते के लिए माया को राज़ी करने की कोशिश में लग जाते हैं, जबकि माया अपने माँ बाप को मज़ीद आजमाइश में नहीं देखना चाहती और वो शान के साथ शादी के लिए हाँ कह देती है। माया की हाँ सुनते ही माया के वालिद शान की सौतेली माँ को रिश्ते के लिए बुला लेते हैं। शान की माँ माया के वालिदैन से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले शान को माया के माजी के बारे में कुछ भी पता ना चले। ये सुनकर माया के वालिद हैरान हो जाते हैं, मगर ये कैसे हो सकता है, वो माया से भी इस बारे में बात करते हैं तो माया इनकार कर देती है कि मैं गलत को सही नहीं कह सकती। उधर दूसरी तरफ शान की सौतेली माँ शान का मुंह मीठा करवाती हैं कि माया इस शादी के लिए मान गई है। शान जिमल की वजह से खुश भी है और अपनी वजह से परेशान भी, लेकिन अब सबको इंतज़ार है तो सिर्फ माया और शुजात का आमना सामना होने का।